राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि आप सभी लोग भगवान के भक्त हैं। मैं आज आप सभी को भगवान की एक परम भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। उनका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई राजस्थान के एक गांव में रहती थी। वह बचपन से ही भगवान की परम भक्ति थी। एक दिन उनके पिता उनसे बोले कि पुत्री, तुम भगवान के सेवा मन से करना और वो जब भोग लगा ले तभी तुम प्रसाद पाना। ये कहकर वह चले गए। अगले दिन छोटी सी कर्माबाई भगवान के लिए खिचड़ी प्रसाद बनाकर लाई। उसमें ऊपर से घी और गुड़ डाल दिया और भगवान के सामने रखकर बोली, प्रभु इसे आप भोग लगा लीजिए। यह कहकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद वह अंदर आई तो उन्होंने देखा कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने प्रभु से बोलने लगे कि तो वह बोली कि प्रभु आप प्रसाद भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो भगवान ने बोला कि मैं बिना पर्दे के भोग नहीं लगाता हूँ। तो कर्माबाई ने बोली कि यह बात थी तो आप पहले ही बता देते, तो आप भी भूखे नहीं रहते और मैं भी भूखी नहीं रहती। ये बोलकर कर्माबाई जो घगरा पहनी हुई थी उसे ही पर्दा लगा दिया। कुछ दिन बाद उनके पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घी और गुड़ खत्म हो गया है। तो कर्माबाई से उन्होंने पूछे कि घी और गुड़ कहाँ गया? तो कर्माबाई ने बोली कि मैं प्रभु जगन्नाथ के सेवा में घी और गुड़ लगा दिया। उनके पिता को विश्वास नहीं हुआ तो वह बोलने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। कर्माबाई बोली, ठीक है मैं कल आपको भोग लगाकर दिखा दूंगी। अगले दिन वह स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाई और जब भोग की थाली बाहर निकाली तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली में कुछ भी नहीं है, पूरा थाली खाली है। तो थाली में कुछ भी नहीं था तो उनके पिता मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा बेटी दिया है, जिसके हाथ से भगवान प्रसाद पाते हैं। बहुत साल बीत गए तो कर्माबाई वृद्धा हो गई। वह राजस्थान से जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी और रोज सुबह भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती, खिचड़ी प्रसाद की भोग लगाती। एक दिन भगवान कर्माबाई की खिचड़ी खा रहे थे तो तभी मंदिर की आरती की घंटा बज गई और वह ऐसे के ऐसे खड़े होकर मंदिर चले गए। और जब पुजारी ने आरती के समय मंदिर के पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के हाथ में और मुंह पर खिचड़ी लगा हुआ है। तो पुजारी ने बोलने लगे कि ये प्रभु आपकी ये कैसी लीला है? ये बोल के तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में रोज सुबह बाल भोग में कर्माबाई के नाम से खिचड़ी भोग लगाए जाते हैं। आप कभी जगन्नाथ मंदिर में जाए तो जरूर खिचड़ी भोग का दर्शन करना और प्रसाद भी पाके आना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे वीडियो में अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर